आई एम श्योर देखते ही आपके मुंह में पानी आया होगा। आज हम पेट पूजा में बनाने जा रहे हैं ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रीट फूड। चलिए आज बनाते हैं हम टेस्टी क्रिस्पी सा मुंह में घुल जाए ऐसे आलू मसाला ग्रिल एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में गरम कर लेते हैं 2 टेबलस्पून तेल। इस तड़के में अब हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून, साथ में थोड़ा सा कटा हुआ कड़ी पत्ते और चॉप्ड हरी मिर्च 4 से 5 हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से फ्राई करके इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, इसके हमने स्लाइसेस करके लिए थे। तो इसे हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भून कर उसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से आपको भून कर लेना है, इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो अब ये अच्छे से भून कर हो जाए तो इसमें डालते हैं कुछ मसाले जैसे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और नमक स्वादानुसार। इसे भी हम अच्छे से टॉस करके ले लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे लगभग 1/4 कप जितना, ताकि ये जो मसाले है वो जले नहीं। इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं। चलिए ये मसाला रेडी हो चुका है, तो इसमें अब हम डाल देते हैं 4 से 5 मैश्ड पोटैटोज। इसे बॉईल करके इसका पील्स निकाल कर इसे हमने इसे मैश करके लिया है। तड़के में ऑलरेडी हमने नमक ऐड किया था, अगर आपको लगे कि कम है तो आप आवश्यकता अनुसार ऐड कर सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आता है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है सौंफ। यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबलस्पून। रेगुलर इसमें कभी आलू के मसाले में सौंफ ऐड नहीं होता, लेकिन इसमें ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे ये जो आपका आलू मसाला ग्रिल है वो सुपर हिट ग्रिल होगा। तो चलिए अब इसे गार्निश कर लेते हैं हरी धनिए के साथ, इसे हमने बारीक चॉप करके लिया था। अब इसे मिक्स करके हम कर लेते हैं गैस बंद, और ये जो हमारा आलू मसाला है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और इसे सेटल होने देंगे। तब तक हम हमारे ब्रेड के स्लाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। एक कटोरी में हमने आलू मसाला ले लिया है और साथ में हम लेंगे बटर। ये जब हम ग्रिल करेंगे तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक स्लाइस ले ब्रेड का और उसमें ये स्टफिंग ऐड कर दें। जितना हो सके इसे आप अच्छे से आलू मसाला भर दीजिएगा, तो जितना इसमें स्टफिंग होगा उतना ये खाने में टेस्टी होगा। ये देखिए हमने दूसरे स्लाइस पे भी ये मसाला ऐड कर लिया। अब इसे प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं और जो हमारे बाकी के 2 जो स्लाइसेस है उसे हम अप्लाई कर लेते हैं बटर। आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट तो उसका बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये देखिए अभी हमने दोनों स्लाइसेस को बटर अप्लाई कर लिया और इसे अब हम प्लेस कर देते हैं ये मसाले के ऊपर। और आपके पास अगर ग्रिल हो मशीन तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आप इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। जो ग्रिल पैन होता है उसमें भी आप इसे सेक कर ले सकते हैं। ये देखिए हम अब इसे ग्रिल कर लेते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा ये आलू मसाला ग्रिल बनकर रेडी है। परफेक्ट इसका जो ग्रिल वाला डिज़ाइन होता है वो इसमें आ चुका है। क्रिस्पी टेस्टी और जो सॉफ्ट का फ्लेवर है वो तो आपके पूरे किचन में छा जाएगा। ये देखिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। परफेक्ट टेक्सचर में बना हुआ ये आलू मसाला ग्रिल ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसका ये जो स्टफिंग्स है वो परफेक्टली ब्रेड के बीच में स्टफ हो चुका है। और ये आया हमारा 2 चटनी, जिसमें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड करूँगी। ये देखिए अब इसे हम प्लेस कर लेते हैं और इसे सर्व करते हैं। दिल से बनाइए, दिल से खाइए। आपको ये आलू मसाला ग्रिल विथ स्पेशल इंग्रेडिएंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आलू मसाला ग्रिल बनाते वक्त ज़रूर सौंफ डालिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। आपका कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर पेट पूजा के वीडियोस आपको पसंद आते हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेट पूजा।